अगर आज तुमने पहेली बूझी तो तुम जो चाहोगे तुम्हें वो इनाम मिलेगा। सच्ची? हाँ। तो फिर पूछिए। तीन पैरों वाली तितली नहा धो के कढ़ाई से निकली। तीन पैरों वाली तितली नहा धो के कढ़ाई से निकली, ये तो समोसा है। सही जवाब। तो बताओ क्या इनाम चाहिए तुम्हें? तीन पैर वाली तितली। माँ, एक पहेली पूछूं? नहीं, आज पहेली मैं पूछूंगी। ठीक है, मैं कल पूछ लूंगा। कद के छोटे कर्म के हीन, बीन बजाने के शौकीन, दिन को सोए रात को गाए, उसका गाना सुन घबराए, बताओ कौन? कद के छोटे, बीन बजाने, ओहो, उफ, ये मच्छर कब से मेरे कान में भिनभिना रहा है, मुझे सोचने भी नहीं दे रहा। यही तो है मेरा जवाब। क्या? यही जो मेरे कान में भिनभिना रहा है, दिन को सोए रात को गाए, उसका गाना सुन घबराए, और ये कब से मेरे कान में गाना ही तो गा रहा है, मच्छर। सही जवाब। ये मच्छर ने ही आके तुम्हें तुम्हारा जवाब दिया है। आज तो पहेली मैं ही पूछूंगा। हाँ पूछो। ठीक है। छोटे बड़े सभी को भाए, बूझ सके तो बूझ, गोल मटोल रंग है पीला, पेट में दाढ़ी मूछ। गोल मटोल पीले रंग का, पेट में दाढ़ी मूछ। जब तक मैं जवाब सोचती हूँ तब तक तुम आम खाओ। क्या माँ, आप इतनी आसानी से सारी पहेलियाँ बूझ लेती हो? जवाब ना देके भी आपने जवाब दे दिया। चलो आज मेरी पहेली बूझो। ठीक है माँ, पूछो। ऐसा क्या है जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते? छू नहीं सकते पर देख सकते हैं, क्या हम उसे खुली आंखों से देख सकते हैं? वैसे तो मुझे बताना नहीं चाहिए, पर उसे बंद और खुली दोनों आंखों से देखा जा सकता है। खुली और बंद दोनों तरीके से देखा जा सकता है, फिर तो ये सपना ही है, क्योंकि हम सपना बंद और खुली दोनों आंखों से देखते हैं। माँ, मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे तोड़ने पर कोई आवाज नहीं आती? जिसे तोड़ने पर कोई आवाज नहीं आती? चुप्पी? नहीं, चुप्पी तोड़ेंगे तो आवाज आएगी। ठीक है, मैं आपके लिए थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ। इससे आप जितना भी खा लो आपका पेट नहीं भरता। अच्छा, तो तुम कसम की बात कर रहे हो? सही जवाब। तुम मेरी एक आसान सी पहेली बूझो। जी पूछिए। ऐसी कौन सी चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है? पानी पीते ही आँख मर जाती है। तुम्हारा जवाब एक तरीके से तो सही है, पर आँख खुद पानी थोड़ी ना पीती है, उसको तो पिलाना पड़ता है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर आग नहीं मरती तो पानी पीने से प्यास मरती है। चलो बताओ कि वो क्या है जो हमारे पास ही होती है, हम उसे देख सकते हैं लेकिन पकड़ नहीं सकते? ये तो वही पहेली है जो मैंने आपसे पूछी थी। इसका जवाब तो सपना है। नहीं, तुमने पहेली शायद सही से सुनी नहीं। पहेली समझोगे तो तुम्हें फर्क समझ आएगा कि वो क्या है जो हमारे पास ही होती है, उसे देख सकते हैं लेकिन पकड़ नहीं सकते। अच्छा हाँ, हम सपने को छू नहीं सकते, यानी हम इस चीज को छू सकते हैं लेकिन पकड़ नहीं सकते, और ये हमारे पास भी होती है। परछाई, वो हमेशा हमारे साथ ही तो होती है, और हम उसे देख भी पाते हैं, हम उसे छू भी लेते हैं, पर हम उसे पकड़ नहीं पाते। यही है ना सही जवाब? हाँ, यही है सही जवाब।
ta 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 ta